भाई जी, हम सब ये जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको कैसे पकड़ा, बाबा ने आपको कैसे चुना। तो आपका थोड़ा थोड़ी जर्नी कि कैसे आप बाबा के पास आए। बाबा ने मुझे कैसे पकड़ा। हाँ, ये वैसे सही बोला आपने, बाबा ही हमें पकड़ते हैं। तो बाबा ने ऐसे मुझे पकड़ा कि वो, अब ये तो मैं वैसे नहीं कहता कभी कि बाबा हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स लाते हैं, पर बाबा क्या है, हमें प्रॉब्लम्स में देख नहीं सकते हैं। तो उन दिनों किन्हीं कारणवश मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। होता है जीवन में उथल पुथल, सब कुछ तो था लाइफ में, लेकिन बस मानसिक शांति नहीं थी, सुख नहीं था। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, यही चलता रहता था। तो थोड़ा डिस्टर्ब था। तो ऐसा था कि जहाँ पे हम जिम जाया करते थे, जिम के सामने ही ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, जो मैं पिछले 2 महीने से नोटिस तो कर रहा था, लेकिन बस देख के निकल जाया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या ठीक है मुझे भी ज्ञान है, ये मुझे क्या सिखाएंगे। वो कई बार अहंकार होता है व्यक्ति का कि मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे पहले से बहुत ज्ञान है। तो ऐसी कई बातें होती थी जिनके कारण मैं उसे अवॉइड करके निकल जाया करता था। लेकिन एक दिन, पता नहीं, पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था किसी रिलेशन के कारण, या कुछ भी उथल पुथल होती रहती है जैसे। तो मेरे मन में ढेरों प्रश्न चल रहे थे उन दिनों कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, ये ऐसे क्यों हो रहा है सब। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे, जिनका मेरे पास कोई जवाब तो था नहीं, और मैं चाहता था कि मुझे जवाब मिले। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, मेरे मन में ढेर सारे प्रश्न थे और उनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे। और मुझे लग रहा था कि ये उत्तर मुझे कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति कभी मिला नहीं था जो उनके उत्तर दे सके, बट प्रश्न बहुत सारे थे। तो जैसे ही हम जिम आए और एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज करते करते मन नहीं लग रहा था एक्सरसाइज करते हुए, जबकि बहुत पैशन के साथ हम एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही डंबल छोड़ते और फिर बाहर आ जाते, फिर अंदर जाते कि और क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो हमने इतना समय लगाया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो चलो। अब फिर से अंदर जाते, डंबल उठाते, फिर बाहर आ जाते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और फिर अंदर गया, डंबल उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर बाहर आ गया, तो देखा कि वो सामने जो ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, उसमें ही अंदर, फिर एकदम जैसे पता नहीं बाबा ने पकड़ के खींचा हो कि बस चला गया मैं अंदर, के शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। मैं अंदर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी वहां पे शांति थी और माहौल ही अलग था। शायद ऐसा माहौल मैंने बहुत लंबे समय से कभी नहीं देखा था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वहां पे जब हम गए अंदर, तो हमें एक माता जी मिले। हमने उनसे पूछा कि माता जी, हमें, हमने माता जी नहीं कहा था उनको, हमने कहा था कि मैम हमें मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए, हम आपको सिखा देंगे, 7 डेज कोर्स होता है यहाँ पर, आप वो कर लीजिए। जब ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, घर पे आ गया। और जब अगले दिन गया, तो वहां पर शायद गुरुवार था और भोग वगैरह लग रहा था, और शायद ज्यादा बिजी होने के कारण वहां पे जो निमित्त दीदी थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप कल आ सकते हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। तो मैं अगले दिन जब गया, तो मुझे जब वहां सुनने को मिला कि आप एक आत्मा हैं, ये देह नहीं है, जो भी मुझे वो ज्ञान मिला, वो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब उसने मुझे जैसे ना, मुझे कुछ अलग सुनने को मिला जो कि मैं नहीं जानता था। मैं स्वयं को बॉडी समझता था, देहभान में रहता था, तो मुझे कुछ अलग सुनने को मिला जो, जिसने मेरे उमंग उत्साह को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। और मैं इतना खुश था उस वक्त कि जैसे मेरे मन में ये था कि ये बात तो उस वक्त सुनते सुनते ही,
मैं कह रहा ये तो मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं जानता इन बातों को, तो मैं जैसे ही जाऊंगा ना अपने फ्रेंड्स को ये बात सबसे पहले बताऊंगा। तो बाहर आते ही मैंने पहले ही दिन लोगों को कोर्स कराना शुरू कर दिया था, तो इट वॉज जस्ट अमेजिंग। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा, और खास तौर पे जब दीदी मुझे कोर्स करा रहे थे तो उनके चेहरे पे काफी रूहानियत थी, तो मुझे वो रूहानियत भी काफी जैसे ना खींच रही थी अपनी तरफ कि मैं ऐसा क्यों ना बन जाऊं। कितनी कितना कितनी रूहानियत है इनके चेहरे पर, ऐसी रूहानियत तो मैंने कभी नोट नहीं की है किसी के चेहरे पर, तो ये कितना अच्छा जीवन होगा। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिल रही थी कि मैं ऐसा बनूं।